हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है जो बहुत दिन से बोल रही थी दी क्लब फैक्ट्री ज्वेलरी हॉल शेयर कीजिए, तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है। सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ सारी ज्वेलरी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारी ज्वेलरी मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में पॉलिथीन में रिसीव हुई है। एक एक करके सारी ज्वेलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ज्वेलरी मैं ये वाली शेयर करूंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये कुछ इस तरह की ज्वेलरी है और पल्स लगे हुए हैं इसमें, मोती लगी हुई हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और मैं फटाफट से रिव्यू करूंगी इनका, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। इसमें लेस लगा हुआ है, नीचे एक पल्स लगी हुई है कुछ इस तरीके की, और यहाँ पे बीच में ये देखिए कितने प्यारे स्टोन लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और ये पीछे जो है स्टील वगैरह जो भी होता है उसमें ये दी हुई है और आगे से ये चिपकाई हुई है। अगर ये निकल भी जाएंगी तो आप इसे इजीली चिपका सकते हैं और बहुत ही प्यारी लगेंगी। और ये कुछ इस तरह की लगेगी वेयर करने के बाद, आप देख सकती हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और इसका लुक इतना ज़्यादा प्यारा आने वाला है ना, आप किसी के साथ भी इसे कैरी कर सकते हैं। जींस टॉप फैंसी ज्वेलरी है तो आराम से आप कैरी कर सकते हैं। इस पर मैंने एक लुक भी क्रिएट किया है, बहुत ही प्यारी है, अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। सेकेंड ज्वेलरी मेरी इस तरह की है, ये भी फैंसी टाइप की है, आप इसे जीन्स या किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसको भी मैं कैरी कर चुकी हूँ। तो दो ज्वेलरी मैं कैरी की हूँ और अभी मैं नहीं की हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है, ये देखिए, और ये इधर से जाकर इसमें मिल जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो इधर उधर हो जाती है। तो और ये देखिए, ये इसी तरीके से इधर उधर होती रहती हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ज्वेलरी है। क्लब फैक्ट्री की सारी फेमस ज्वेलरी मैंने मंगाई है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अमेजिंग है। और यहाँ से पीछे ये हुक दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, आप इसे पहन सकते हो। इस तरीके से लॉन्ग में भी पहन सकते हो, शॉर्ट करके भी पहन सकते हो। ये देखिए, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी और आप इसे ले सकते हो। सभी की प्राइस मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। सेकेंड ज्वेलरी मेरी ये है, और जो मैं ज्वेलरी मंगाई हूँ सारी बहुत ही अच्छी है, और इनका रिव्यू मैं देखकर ही मंगाई थी, मुझे बहुत ही पसंद आई। ये भी ब्लैक में है, इसमें पल्स लगे हुए हैं, सॉरी क्या यार भूल जाती हूँ मैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह की ये ज्वेलरी है, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसकी भी चैन बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी सबकी बहुत ही अच्छी है। वेयर करने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखेगी, आप देखिए अच्छी लग रही है ना। ये भी माइंड ब्लोइंग है, आप मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगी। ये जो तीन ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये वाली, सॉरी इसके साथ मैंने इयरिंग्स भी मंगाई है, इयरिंग्स गिर गई है। ये वाली यार, ये वाली तो माइंड ब्लोइंग है। इसके जो स्टोन है ना, इसके स्टोन के क्या कहने हैं, इसके स्टोन में इतनी ज़्यादा साइन है जैसे डायमंड का नहीं होता, सेम उसी तरीके की इसके स्टोन में साइन है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, के स्टोन में इतनी ज़्यादा शाइन है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी। ये वाली ज्वेलरी तो मुझे अमेजिंग लगी, आप ये देखिए, वेयर करने के बाद आप रानी महारानी की तरह लगोगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी वाली ज्वेलरी है। मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसके स्टोन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, ज़्यादा प्यारी है। इसको भी मैं पहन चुकी हूँ, और इसके साथ मैंने इयरिंग्स मंगाई थी मैचिंग की, जो अलग से मैंने मंगाई है, सेम वही क्वालिटी है, सेम वही चीज़ है, सब कुछ वही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है क्वालिटी में। जो उससे है मैचिंग का मैंने मंगाया था कि मेरी जब मैं सेट पहनूं तो मैं इसके साथ एयरिंग्स भी पहन सकूं, दो एयरिंग्स है, थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इसकी भी प्राइस मैं डाल दूंगी। और इसके साथ नहीं मिली है, ये अलग से आपको लेना पड़ेगा मैचिंग का। तो इसको भी मैं वेयर कर चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है। और सेकेंड ज्वेलरी मेरी ये है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, थोड़ी सी महंगी है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये यहाँ से लॉक है तो मैं इसको दिखा देती हूँ, एक ज्वेलरी मुझे ध्यान नहीं कहाँ रखी हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी भी क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तीन ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बाकी सब सस्ती सस्ती है। थोड़ा सा क्लोज आना पड़ेगा मुझे एक बार, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये वाली ज्वेलरी मैंने अपनी एनिवर्सरी में पहनी हुई थी, आप अगर जिन्होंने मेरा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग देखा होगा वो ये ज़रूर देखे होंगे। ये देखिए, इसकी क्वालिटी तो मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है। ये अमेज़ोन वगैरह पे आपको आराम से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है। और ये देखिए,
वेयर करने के बाद तो ये एकदम प्रिंसेस वाला लुक देती है, काफ़ी हाई फाई वाला लुक देती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ज्वेलरी है ये, लग्जरी करके लिखा हुआ था उसमें, और ये मुझे थोड़ी सी महंगी मिली थी। मेरी ये वाली की है, ये भी अमेजिंग है, इसके भी स्टोन यार कमाल के, इसको तो मैं भूल गई थी, ये देखिए इसके स्टोन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्लब फैक्ट्री की ज्वेलरी में, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये ज्वेलरी, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर बाय कीजिएगा, बहुत ही प्यारी लगेगी पहनने पे, आप इसे जीन्स टॉप या कोई भी फैंसी ड्रेस या गाउन, तो ये देखिए वेयर करने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये ज्वेलरी, पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे बहुत ही पसंद आई, सारी ज्वेलरी पसंद आई। और तीसरा मैंने एक हेयर बैंड लिया था जो मुझे इस तरीके का मिला था, सभी के प्राइस मैं दे दूँगी आप देख लीजिएगा, ये देखिए पल्स लगे हुए हैं और इसमें स्टोन लगे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पीछे इलास्टिक लगी हुई है, आप इसे आराम से पहन सकते हैं, अगर आप इसे चाहो तो नेक पीस की तरीके भी पहन सकते हैं, नेकलेस बनाकर ये इस तरीके से, ये देखिए ये भी अच्छा लगेगा, और हेयर में आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, आप गाउन वगैरह पहने तो उसके साथ बहुत ही खूबसूरत वाला लुक देगा ये, बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सेकंड मैंने यहाँ पर मंगाई थी साड़ी पिन समझकर, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ये ब्रॉच है साड़ी पिन नहीं है, अगर आपको ब्रॉच चाहिए तो आप मंगा लीजिएगा, और ये इसमें पत्ती बनी हुई है, यानी कि जो फ्लावर्स के पत्ती वगैरह होते हैं ना उस टाइप का, ये देखिए बना हुआ है, छोटू सा है, अमेजिंग है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या बॉयफ्रेंड को किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मंगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और सेकंड ये बड़ी मैंने मंगाई थी सेफ्टी पिन, जैसे मैंने बताया था, सॉरी सेफ्टी पिन समझ के साड़ी के लिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये साड़ी पिन नहीं है क्योंकि ये ब्रॉच है, कुछ इस तरीके से ये लगेगा, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने मंगाया था ये जूड़ा पिन जो मुझे चाहिए था, अगर आप पार्टी वगैरह में जाते हो जूड़ा बनाते हो तो कुछ इस तरीके का ये है स्टील का, और इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, स्टोन लगे हुए हैं, पल्स लगी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला अमेजिंग वाला लुक देगा, अगर आप लगाओगे इस तरीके से तो बहुत ही प्यारा दिखेगा, ये देखिए तो। और एक नेकलेस और मेरा है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, और ये है, इसके साथ मैंने लुक भी क्रिएट किया पूरे में, इसमें पल्स लगे हैं, इसकी क्वालिटी की मैं क्या बात करूं, माइंड ब्लोइंग है, जब आप इसको पहनोगे ना ये पूरा आपके पीछे तक राउंड इस तरीके से जाता है, और इसकी क्वालिटी यार मैं सच में आपको फुल रिकमेंड करूंगी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, कुछ ज्वेलरी तो यार अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी महंगी है ये, उतनी महंगी नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, ये देखिए इसकी क्वालिटी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये देखिए अगर आप इसे कहीं पहन कर जाते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे, सबसे अलग दिखोगे, इस तरह की ज्वेलरी आपको जल्दी नहीं मिलेगी, सिर्फ क्लब फैक्ट्री पे ही आपको इस तरीके की ज्वेलरी मिलती है, जिसे पहन के आपका बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है, और ये पूरा पीछे तक जाता है, ऐसा नहीं है, और ये भी वाली जो मेरी ज्वेलरी थी ये भी पूरा पीछे तक जाती थी, इसका मैंने आधा निकाल दिया है, मैंने सोचा था उसकी इयररिंग्स कुछ जुगाड़ बना के बना लूँगी, वो भी इतनी थी, मतलब सेम इसी के बराबर थी, मेरी फेवरेट सबसे फेवरेट ये है, सेकंड ये है, और उसके बाद सभी मेरी फेवरेट हैं, और थर्ड ये वाली है, इसके स्टोन तो यार माइंड ब्लोइंग है, थर्ड ये वाली ज्वेलरी है मेरी, और ये वाली ज्वेलरी है मेरी, ये चार मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है, आप लोगों को कौन सी पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी। और हाँ, ये वाली ज्वेलरी तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, जब अभी पैक करने लगी तब मुझे याद आया, तो ये भी एक ज्वेलरी है जो क्लब फैक्ट्री की है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये, अपने में ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी वाली है, तो अब मैं आपको इसको फुल रिकमेंड करूँगी, आप इसे ज़रूर बाय करिएगा, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये भी इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, स्टोन लगे हुए हैं, और पल्स नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये भी आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको सारी ज्वेलरी। तो चलिए मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कौन सी ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो भी बताइएगा, ओके बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके बाय बाय।